लेजेंड्स की फैमिली से ताल्लुक है, घर में कलम भी है, कैमरे की डायरेक्शन बताने वाले लोग भी रहे, ये भी आई, मैंने भी इनके साथ एक ड्रामा किया जो दरअसल एक भाई और बहन की कहानी थी, बज्जात, अगर आपको याद हो बज्जात। और भी बहुत से ड्रामे कर चुकी हैं, वी लॉगिंग की दुनिया में रही तो वहां भी बहुत नाम कमाया, बड़ी प्रोफेशनल पढ़ी लिखी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो बेसिकली आर्टिस्ट हैं, तो बहुत सारी तालियों में जोया नासिर, प्लीज कम ऑन। आइए प्लीज तशरीफ रखिए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की तरफ से, वो अभी तक यहां खुद तो नहीं आए, आपके वालिद साहब, आपके वालिद साहब का मैं तारुफ करवा दूं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जब एक बहुत बड़ी हिट हुई कुछ डेकेड्स पहले, वो मौला जट थी। उसके बाद जब पाकिस्तानी फिल्में जवाल पजीर हो गई, लोगों ने कहा मर गए रुड़ गए, फिर एक फिल्म आई जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो भी मौला जट थी। अब मजे की बात क्या, उस फिल्म को लिखने में जो कलम इस्तेमाल हुई वो कलम उन हाथों की है जो इस छोटी सी बच्ची को उठा के बिस्तर पे सुलाता था फिर लिखता था। नासिर अदीब साहब के लिए और आपके लिए वेलकम टू मजाक रात। इनके नाना भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, डायरेक्टर थे सर, अमीन मलक साहब, और वो जो पैसे तय करते थे, इंडस्ट्री में मशहूर है, फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो फनकार के घर जाके देखे आते थे। ये मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई कि हिट हो या फ्लॉप हो इससे कोई एक्टर का लेना देना तो नहीं। फिल्म फेल हो जाए ना, इतने कई एक्टर चपेड़ा पे पैसे लान गया, उनका पैसे दे उनका कहा साढ़े प्यो में हार्ट अटैक होगा, फिल्म फेल हो गई। अब वक्त बदल गया है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ तो मैं भी बहुत पुराने वक्त की बात, अब हम डराते हैं। अब डराती हैं? नहीं नहीं, पैसों के चक्कर में डराते। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि जोया पैसों की जरूरत है नहीं दे रहे और शूटिंग आ गई है तो क्या करती हो? अम्मी को भेज देती हूँ। अम्मी के पास आर्ट है, कला है। अम्मी की कला क्या है? एमपीए। हाँ जी, ग्रेजुएट है। एमपीए भी रही है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या कला है? क्या कला है पता नहीं वो क्या करती है, मैं साथ नहीं जाती लेकिन वो फिर चेक लेके आती है। वो सिर्फ जाके अपने खामन का एक डायलॉग बोलते सर, पैसे मिनट तो पहले टेबल पे होते सर, सिर्फ इतना जाके नहीं, मैं प्रोड्यूसर दी लत लेके जानी है। अभी भी उनको भेजा जाता है, शी इज द वेपन के टॉक शोज में आमना अल्फत को ही भेजना है बिकॉज वो उनको लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड आउट आती है तो लॉजिक से मार देती है। तो आपने कभी बचपन में नारे लगाए वोट दो मेरी अम्मी को वोट दो? अच्छा बड़े अच्छे नारे इन्होंने बनाए थे। अच्छा दुकानें तोड़ फोड़ दो मेरी अम्मी को वोट दो। सच्ची? आपको कैसे पता चला है? हाँ मेरी दुकान टूटी थी ना। ओए होए, अरे वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वाह जियो शेरे, टैंक दी हैंड ब्रेक हुंदी। वाह सखावत साहब, बंब मार के पुराने रिश्ते खत्म किते हो। जोया जी वेलकम टू मुज़ाकरात। बहुत-बहुत माशाल्लाह, लुकिंग सो प्रीटी। हाय। और आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा, मेरी ताबीर को वो ऐसे ख्वाब कर देगी। हाय वाह 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 वाह, मेरी ताबीर को वो ऐसे ख्वाब कर देगी। आहा, आहा। बहुत मजा आया तुहानू पल्ले खवाउंदे। नहीं
मेरी ताबीर को वो ऐसे ख्वाब कर देगी, मेरी ताबीर को वो ऐसे ख्वाब कर देगी, अगर मेरी उससे शादी होगी वो मेरी जिंदगी अजाब कर देगी। मेरी ताबीर को वो ऐसे ख्वाब कर देगी, ऐसे वो मेरी जात का भी एहतसाब कर देगी। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगी और लाजवाब कर देगी। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से? आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। क्यों अमेरिका से जी अचानक पाकिस्तान आने का फैसला किया? एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस था कि आपको वहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो कंफ्यूज थे कि वो अमेरिकन कल्चर लें या पाकिस्तानी कल्चर लें। अच्छा। उसके बाद अगर आपने अंग्रेज़ों से दोस्ती कर ली तो फिर आप अपना कल्चर भूल गए, फिर आप सेकंड क्लास सिटीज़न हैं, आपको अपने जो एक वतन परस्ती उसके कुछ रहता नहीं है, उसका कोई एहसास रहता नहीं है। अच्छा। तो इससे मुझे वहाँ पर समझ नहीं आई, पाकिस्तान की मोहब्बत ले आई। हाँ, मुझे अपने वजूद की समझ नहीं आई। अच्छा। हाँ। कितना अरसा ये वजूद एक एंजाइटी में रहा? 6 साल। जैसी एजुकेशन कंप्लीट हुई है मैंने कहा मैं निकल रही हूँ यहाँ से टिकट कटा के। बहुत अच्छे। आप पूरा पाकिस्तान वो डायलॉग बोलता है, अब आप बेटी हैं, आप अगर हमें पूरी एनर्जी के साथ सामने वाले कैमरे में मौला नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा उठ के। जोया कम ऑन, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरे। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जोया नासिर और आप लोग देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मजाकरात देखते रहिए। मना किया था ना मैंने तुम्हें, मना किया था ना मैंने तुम्हें, तो क्या कर लोगे? मार लोगे मुझे? मैंने तुमसे कहा था कि तुम वली की बहन हो, इस पूरे शहर में नाम है मेरा, आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी। क्यों पहने तुमने? मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो पहनूंगी वली। जानता हूं तुमने डरी थी, तुम तो वली को अपना भाई भी नहीं समझती हो। ठीक है, पर मेरी तो तुम ही बहन हो ना, सिर्फ एक। घर वापस आ जाओ, मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या बात बज़ात, बज़ात याद आ गया, बज़ात याद आ गया यार, बज़ात से मुझे कमज़ात याद आ गया। इन्हें कहते तेरी औकात की, कहते 9 to 11। जो जोया चांद खिला आसमान। जोया जोया चांद जोया की होया। अस्सलाम वालेकुम जोया जी, बहुत प्यारे हैं बिल्कुल मेरी तरह। अल्लाह माफ करे। ओ जोया स्मार्ट है। नासर अदीब साहब उनको भी मेरी तरफ से सलाम। ओए बेतरतीब नया नक्शा लिया। ओ की करना आया ओए डुगदार मुंह वालेया। मैंने क्या कहा है? मेरे भी कुछ चीख रहे हैं। मेरा नाम है नूरी मुगल। अच्छा मुगल है, नत तो नहीं है ना? कोल कोल ही है। नूरी मुगल है, एक नत बड़ी छोटी है। नूरी मुगल ਲਾਕਟ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਫੇਰਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ 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 ਉਹ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ